तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, जैसा कि आप लोग सैमसंग फ़ोन का यूज़ करते हो और आप लोग जानना चाह रहे हो कि सैमसंग फ़ोन पे किस तरीके से आप लोग यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग किस तरीके से रीसेट कर सकते हो, हाउ टू रीसेट नेटवर्क सेटिंग इन सैमसंग फ़ोन। ठीक है, तो चलेंगे फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, मेरे पास यहाँ पे सैमसंग का फ़ोन है। अदरवाइज़ अगर आपके पास सैमसंग का किसी भी कंपनी का मॉडल होता है, ठीक है, तो आप लोग उसमें भी आप लोग ये सेटिंग करके आप लोग इजीली आप लोग अपनी जो नेटवर्क सेटिंग होती है उसको रीसेट कर पाओगे। ठीक है, तो चलेंगे फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग अपनी फ़ोन की सेटिंग ओपन करेंगे। यहाँ पे मैंने फ़ोन की सेटिंग ओपन कर लिया है। वाई डिफॉल्ट फ़ोन की सेटिंग ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, अब आपको इस तरीके से नीचे स्क्रॉल डाउन करिएगा। नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है, एक सेटिंग देखने को मिल जाती है, जनरल मैनेजमेंट। ठीक है, आपको जनरल मैनेजमेंट पे आप लोग इस तरीके से टच करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग टच करने के बाद फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे देखने को मिलता है कुछ इस तरीके का इंटरफेस। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आएंगे और थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पे रीसेट का ऑप्शन मिलता है। रीसेट पे इस तरीके से टच करेंगे। टच करने के बाद फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, तो थोड़ा सा नीचे आएंगे। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, नीचे दो ऑप्शन मिलते हैं, कई सारे ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलता है ऑल रीसेट सेटिंग। अदरवाइज़ अगर आपको ऑल रीसेट सेटिंग करनी है तो आप लोग इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हो, सिक्योरिटी सेटिंग आपकी रीसेट हो जाएगी, लैंग्वेज सेटिंग आपकी रीसेट हो जाएगी, अकाउंट आपका रीसेट हो जाएगा, पर्सनल डाटा आपका रीसेट हो जाएगा, सेटिंग फॉर डाउनलोडेड ऐप्स आपके रीसेट हो जाएंगे, कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। अदरवाइज़ यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है तो मैं पहले इसको एरो यहाँ पे नाइट मोड हटा देता हूँ। ठीक, अब आपको यहाँ पे साफ दिखेगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, अदरवाइज़ अगर आपको एक ही सेटिंग रीसेट करनी है तो यहाँ पे देखने मिलता है रीसेट मोबाइल नेटवर्क सेटिंग। इस पर आप लोग क्लिक करोगे तो जितने भी फ़ोन की सेटिंग होती हैं, अदरवाइज़ आपने छेड़ रखा है किसी भी रीजन के बेसिस पे, या फिर आपके फैमिली मेम्बर किसी छोटे बच्चे ने आपका फ़ोन ज़्यादातर छेड़ दिया, आपको पता नहीं, तो यहाँ से भी आप लोग रीसेट करके सेटिंग रीसेट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखने मिलता है वाईफाई एंड ब्लूटूथ। यहाँ पे अगर आपको रीसेट करना है तो एंड वाईफाई और यहाँ पे ब्लूटूथ ही रीसेट होंगे, अदरवाइज़ कोई भी सेटिंग आपकी रीसेट नहीं होगी। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आपको करना है तो रीसेट सेटिंग पे क्लिक करके कर सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पे बैक कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे देखने को मिलता है रीसेट एक्सेसिबिलिटी सेटिंग, इस पर क्लिक करोगे तो वहाँ पे देखने को मिलता है एक्सेसिबिलिटी की कि आपकी जैसे कि कीवर्ड होता है, साइज आपने किस तरीके से कीवर्ड कर रखा है, ठीक है, डाउनलोड किस तरीके से आपने चेंज किया है, पर्सनल डाटा आपने कैसा यूज़ किया, तो यहाँ पे वो आपकी रीसेट हो जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे करना चाह रहे तो कर सकते हो। मैंने आपको ये ऑप्शन बता दिए, तीनों चारों ऑप्शन बता दिए, तो आप लोग यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको ऑल रीसेट करना तो ऑल रीसेट पे क्लिक करके यहाँ पे सिक्योरिटी सेटिंग, लैंग्वेज, अकाउंट, पर्सन डाटा, सेटिंग एंड डाउनलोड्स, यहाँ पे आपकी रीसेट हो जाएंगे। तो अगर आपको इसको करना है तो क्या करेंगे, रीसेट सेटिंग पर क्लिक करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर जो आपका स्क्रीन पासवर्ड होता है वो आप लोग यूज़ करिएगा। ठीक है, तो जो भी अपना स्क्रीन पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे, मैंने डाल दिया है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। यहाँ पे रीसेट पे क्लिक करेंगे फिर से और यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे और रीसेट हो जाता है, देख सकते हो रीसेट हो चुका है, और फिर से रीसेट कर देंगे, देख सकते हो, और यहाँ पे रीसेट आपकी सेटिंग हो जाती है। यहाँ पे वाईफाई होता है सारा सारा, यहाँ पे रीसेट होता है, नेटवर्क सेटिंग आपकी पूरी की पूरी रीसेट हो जाती है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, आपका नेट भी रीसेट हो जाता है और आपका फ़ोन भी रीसेट हो जाता है। थोड़ा सा वेट करेंगे और ऑटोमेटिकली फ़ोन आपका ऑन हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करेंगे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है, देख सकते हो फ़ोन मेरा ऑन हो चुका है। और इस तरीके से आप लोग हर एक सेटिंग रीसेट कर दोगे। ठीक है, आपको रीसेट करना है ना ही फॉरगेट डाटा, आपको रीसेट करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन भी मिलता है डाटा फॉरगेट का भी, ठीक है, तो आप लोग उस डाटा फॉरगेट पे मत जाइएगा ताकि आपका डाटा यहाँ से पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ना करना है आपको, जो मैंने आपको स्टेप बताए वही आपको फॉलो करना है, फालतू के फॉलो कोई स्टेप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे किसी को पता नहीं होता रीसेट कहाँ है, तो वहाँ पे भी एक रीसेट का ऑप्शन मिल जाता, तो वहाँ पे भी कई सारे मेरे सब्सक्राइबर, कई सारे मेरे व्यूवर्स वहाँ पर रीसेट कर देते हैं, तो उनको भी कन्फ्यूज़न हो जाती है कि रीसेट कौन सा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड जो आप लोग जानकारी जानना चाह रहे थे आपको मिल चुकी होगी। कोई भी तकलीफ आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे कमेंट करेंगे, मैं कमेंट का बहुत जल्द से रिप्लाई देता हूँ। बस यही थी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।